फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट न्यूज है आप सभी स्कूल साथियों के लिए लेकर आया हूँ, कक्षा 5 व कक्षा 8 के बोर्ड से संबंधित है। काफी सारे हमारे जो स्कूल साथी मुझे इस बारे में पहले कमेंट किया था कि सर, कक्षा 5 और कक्षा 8 के बोर्ड फोरम है वो कब भरे जाएंगे। तो मैंने उनके कमेंट का रिप्लाई ये दिया था कि अभी नहीं भरे जाएंगे, जब भरे जाएंगे तब उसके बारे में मैं आपको सूचना दे दूं। तो इसलिए ये सूचना आपको दे रहा हूं, अब आप तैयार लीजिए और अब आपका जो इंतजार है वो खत्म हो गया, क्योंकि निदेशालय बीकानेर के द्वारा या शिक्षा विभाग बीकानेर के द्वारा अब कक्षा 5 व कक्षा 8 के स्टूडेंटों की इंफॉर्मेशन है वो मांग ली है। फिलहाल एक नोटिफिकेशन आया है 16 अक्टूबर 2019 को और निदेशालय ने ये जारी किया है और निदेशालय ने प्रत्येक जिला डायट को ये लिखा है कि आप अपने क्षेत्र में संचालित जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं उनमें कक्षा 5 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की सूचना हमें दीजिएगा कि कितने विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा में बैठने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वो जल्दी ही शायद आपके पास नोटिफिकेशन भी भेज देंगे, आपसे डाटा है वो मंगवाएंगे, वो डाटा है आपको एक्सेल शीट में प्लस हार्ड कॉपी और प्लस सीडी में आपको बनाकर देना पड़ सकता है। देखिए, हर साल है डाटा वो बदलता रहता है, मेरी वेबसाइट पर आपको वो डाटा की एक्सेल शीट है वो मिल जाएगी, लेकिन वो पिछले साल की, अभी तक वो एक्सेल शीट है उन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाई है, तो शायद वो उसमें कुछ चेंजमेंट हो सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल करने के लिए एक बार देखने के लिए वो आप डाउनलोड वहां से कर सकते हो। और वेबसाइट का नाम आप जानते ही हो, www.rajguruji.com, वहां से आप कक्षा 8 और कक्षा 5 की दोनों एक्सेल शीट है वो डाउनलोड आप कर सकते हो। लेकिन अब मुद्दे की अपन बात करते हैं, काफी सारे जो नए जो स्कूल संचालन है जिनको पहली बार कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की नवीन मान्यता मिली है उनको इस बारे में नहीं पता है। देखिए, पहले मैं बात कर लेता हूं कक्षा 5 के बोर्ड फोरम की। देखिए, कक्षा 5 के बोर्ड फोरम है वैसे कोई स्पेशल तरीके से बोर्ड फोरम नहीं भरे जाते, इन सबके जो बोर्ड फोरम है अपना जो पीएसपी पोर्टल है और जो गवर्नमेंट का जो शाला दर्पण है वहीं से ही बच्चों का नॉमिनेट डायरेक्टली किया जाता है। ध्यान रखना इस बात को, अगर आपका स्कूल प्राइवेट है तो आपके कक्षा 5 के स्टूडेंट का बोर्ड फॉर्म आरटी पोर्टल से ही भरा जाएगा। इसलिए पहले आप अपने आरटी पोर्टल पर यदि अभी तक कक्षा 5 के किसी भी स्टूडेंट की एंट्री नहीं की है या कम की है तो आप उसे समय रहते पूरा कर लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके स्कूल में 25 स्टूडेंट हैं और आपने केवल 20 स्टूडेंट की पीएसपी आरटी पोर्टल पर एंट्री की है तो केवल 20 बच्चों को ही फॉर्म भरे जाएंगे, 5 बच्चों के नहीं भरे जाएंगे। ये दिक्कत आपको बाद में आएगी, पहले आप अपने पीएसपी या आरटी पोर्टल पर सभी स्टूडेंट की एंट्री है वो कर लीजिएगा। इसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे अपन वहां से फॉर्म भरें, लेकिन पहले आप पीएसपी पोर्टल का है वो काम पूरा कर लें। और ध्यान रहे, वहां पर स्टूडेंट का डाटा बिल्कुल सही सही लिखे। साथियों देखियो, हम एक जिम्मेवार हैं, देखिए गार्जियन हमारे पास बच्चे को छोड़कर जाता है, गार्जियन जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो, वो कुछ नहीं जानता उस बच्चे के बारे में, उसका नाम क्या है। देखिए, अपन नॉर्मली नाम बोलते हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि, काफी सारे एरर होते हैं। तो क्योंकि जब आप पीएससी पोर्टल पर बच्चे का डाटा चढ़ाओगे तो आप भी अपनी मर्जी से मत चढ़ाया करो, उस बच्चे का रिकॉर्ड, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका आधार कार्ड, जो भी डाटा का रिकॉर्ड है वो चेक कर लो आप, उसके बाद ही उसकी स्पेलिंग है वो चढ़ाओ। क्योंकि जैसे ही आप पोर्टल से बोर्ड फॉर्म भरोगे तो वो वही का वही डाटा वहां पे जाके कॉपी हो जाएगा, इसलिए वो बाद में एरर होता है। बहुत सारी मैं ऐसे देख रहा हूँ, काफी लोगों के समस्याएं आ रही हैं, बाद में वो घूमते फिरते रहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेवारी है, किसी भी गार्जियन को, किसी भी बच्चे को नाम के संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव आप नहीं करें, हम एक जिम्मेवार है। ये मत सोचो यार गार्जियन रहने दे अपने आप कर लेगा, ये कभी भी मत सोचो, हम शिक्षक वर्ग के लोग हैं, हमें ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। और मैं ये देखता हूं कि ज्यादातर केसों में 95% स्कूल वालों की गलती होती है, जहां पर बच्चे का अगर डाटा गलत होता है तो 95%, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं, या तो उनको इन बारे में पता नहीं होता है या फिर वो झूठ मूठ बातों को घुमाते रहते हैं। शायद बातें आपको कड़वी लग रही होंगी लेकिन यही सच्चाई है। तो कक्षा 5 के बोर्ड फॉर्म पीएसपी पोर्टल से भरे जाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब बात करता हूं कक्षा 8 के बोर्ड फोरम की। देखिए, कक्षा 8 के बोर्ड फोरम है वो आरबीसी बोर्ड की वेबसाइट से ही भरे जाएंगे, जिस प्रकार से कक्षा 10 व 12 के बोर्ड फोरम भरे जाते हैं उसी प्रकार से, लेकिन कक्षा 10 व 12 के लिए बोर्ड कोड अलग होते हैं, जबकि कक्षा 8 के लिए हमें डाइस कोड से यूजर नेम पासवर्ड मिलते हैं। अगर आपका विद्यालय नया है और आपको डाइस कोड मिल गया है
तो आप अपनी डाइट में जाकर के संपर्क करें कि सर हमें बोर्ड कोड के लिए अप्लाई करना है, तो आप हमारा डाइट कोड है वो लिख लीजिए अपनी लिस्ट में, क्योंकि डाइट के द्वारा ही राज्य अपने जिले के अंदर जितने भी स्कूल संचालित हैं या अपने स्टेट में जितने भी स्कूल संचालित है, तो प्रत्येक जिले की जो डाइट होती है उस डाइट के द्वारा ही हर एक स्कूल का नॉमिनेशन कक्षा 8 के बोर्ड फॉरम के लिए अजमेर बोर्ड भेजा जाता है और वहीं से उनके यूजर नेम पासवर्ड आते हैं। अगर आपका विद्यालय नया है, अभी तक आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है, तो आज से ही आप एक्टिव हो जाए वरना बाद में आपको समस्या आने वाली है। तो इसके लिए आप डाइट से संपर्क करें। और कई बार ऐसा होता है आपके पास डाइस कोड भी नहीं है। अब डाइस कोड है 0 80 50, इस तरह से चलता है, 81 से भी चल रहा है आजकल, तो वो आप पता कर लें कि आपका डाइस कोड आपके पास है क्या। अगर है तो आप अपने डाइट में संपर्क कीजिएगा, वहां पर एक एप्लीकेशन दीजिएगा और अपनी मान्यता का डॉक्यूमेंट होने दीजिएगा कि सर हमें इस साल है कक्षा 8 की मान्यता मिल गई है, इसलिए हमारा डाइस कोड तो ये है। अगर आपको डाइस कोड अभी तक नहीं मिला है तो डाइट में जाकर के उन पर प्रेशर बनाइए कि सर नई मान्यता मिली है, हमें डाइस कोड प्रोवाइड करवाइए, तो ही आपके बच्चों का कक्षा 8 का बोर्ड फोरम है वो भरा जाएगा, ध्यान रखना। और यहां पर भी एक बात को विशेष ध्यान आपको रखना है, अगर आप कक्षा 8 के बच्चों के बोर्ड फॉरम भर रहे हैं तो उसमें भी उसका नाम पता एड्रेस मम्मी पापा का और जन्म तिथि खास कर ध्यान रखा करो, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट कक्षा 10 के बोर्ड फॉरम भरेगा आगे जाकर के तो कक्षा 8 की मार्कशीट है वो लगेगी, तो वहीं से डाटा उठेगा। तो डाटा आप बिल्कुल सही सही कीजिएगा, गार्जियन से वेरीफाई करवाएगा, आप खुद वेरीफाई कीजिएगा, उसके डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई कीजिएगा उनके। देखिए कई बड़ी समस्याएं आती है मेरे, मैं देखता हूँ काफी सारी ऐसी समस्या, एक गार्जियन के 2 बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक है, और दोनों छोटे बड़े ना वो जुड़वा है लेकिन छोटे बड़े हैं, उनमें केवल 1.5-2 महीने का अंतर होता है, ये सबसे बड़ी बात सोचने की बात है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि एक ही गार्जियन के कितने बच्चे हैं और उनमें उम्र का कितना अंतर, कम से कम यार 10 महीने का तो होने चाहिए, ये भी आप भी समझते हो। हाँ जुड़वा बच्चों तो एक अलग बात होती है, लेकिन कम से कम 10 महीने का अंतर और तकरीबन 12 महीने का अंतर होता है, ये तो आप भी समझते हो, ऐसी कोई बात नहीं है और ये कोई मजाक की बात नहीं है। यहाँ पर रियल केस कब होता है, जब बच्चा आगे नौकरी के लिए जाता है और तब जाके वहां पर दोनों बहन भाई या दोनों ब्रदर को इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो डाटा सुधारें, इसलिए मैं ये वीडियो पहले बना रहा हूं कि आप पहले से ही अपने जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका नॉमिनेशन आप करने जा रहे हो उनके हर एक डाटा को वेरीफाई आप कर लीजिए, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसकी DOB क्या है, हर एक डाटा से वेरीफाई आप कर लीजिए। उनकी भी जब आप बोर्ड फॉर्म भर दोगे तो वहां पर भी आपको एक एक्सेल शीट भर करके जहां पर बच्चे का नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, उसकी कैटेगरी, उसके सब्जेक्ट, वो सारी चीज आपको लिख करके एक CD बनाकर एक एक्सेल फाइल बनाकर आपको अपने नोडल या फिर आपको डाइट में जमा करवानी पड़ेगी। बोर्ड फॉर्म तो ऑनलाइन भरोगे आप कक्षा 8 के, वो फॉर्म तो भरवाने जमा करवानी करवानी नोडल पे, लेकिन इसके साथ ही आपको एक एक्सेल फाइल है और एक CD है बनाकर वो भी आपको देनी होगी। इसलिए ये वीडियो मैं पहले बना रहा हूं। देखिए अभी तक निदेशालय के द्वारा नोटिफिकेशन मिला हुआ, अगर वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते देखना चाहते हो तो अपनी वेबसाइट है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। उन्होंने अभी डाइट पर प्रेशर दिया है और डाइट पर प्रेशर दिया इसका मतलब ये है कि डाइट हमसे ही डाटा मांगेगी। अब डाइट के पास तो जो पुराने विद्यालय पहले से संचालित है उनका तो डाटा है, लेकिन समस्या आती है नए विद्यालयों के लिए। तो जो नए विद्यालयों जिनको इस बार पहली बार कक्षा 1 से लेकर 8 तक या 8 तक की मान्यता मिली है, तो अगर उनको अभी तक डाइट से कोई संपर्क नहीं हुआ है, उनके पास डाइस कोड नहीं है, तो डाइट में जाइएगा और अपने डाइस कोड है वो लेकर आए और उनको बताएगी सर हमें इस साल नई मान्यता मिली है, और अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएगा ताकि आपको समय रहते वो डाइस कोड उपलब्ध करवा दे और बोर्ड के द्वारा यूजर नेम पासवर्ड वो आपको समय रहते मिल जाए। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी तरफ से कक्षा 5 और 8 की बोर्ड से संबंधित कुछ बातें। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसके अलावा कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट कीजिएगा और वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए मेहमान हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और इसके अलावा अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई दस्तावेज आपको चाहिए तो वेबसाइट पर विजिट कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।